ओह माय गॉड, क्या ये सपना है? अगर मैं सपने में तो भाई कोई उठाना मत, बिकॉज लेसनर इज बैक। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आज के समर स्लैम पे पर व्यू की एक बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड एंडिंग के बारे में। जब हुआ रोमन रेंज जॉन सीना का मैच, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। देखो होता क्या है, रोमन रेंज जॉन सीना का मैच शुरुआत में काफी थोड़ा स्लो डाउन टाइप का होता है। यहाँ पर रोमन रेंज पूरी डोमिनेशन दिखाते हैं, एकदम कंप्लीट वाली। जॉन सीना शुरुआत से क्या ट्राई करते कि वो हमें रोल अप या फिर एक स्मॉल पैकेज लगाते हुए नजर आए, ताकि किसी तरीके से वो रोमन को कर पाए पिन मैच के बीच में। उसके बाद जॉन सीना किसी तरीके से वापसी करते हैं। मैच भैया बहुत ज्यादा कमाल का जाता है। रिंग साइड के ऊपर क्या होता है, रोमन रेंज स्पीयर देने चलते हैं, लेकिन जॉन सीना रिवर्स करके अनाउंसर्स टेबल के ऊपर उन्हें एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हुए नजर आते हैं। रिंग के अंदर एक्शन होता है, रिंग के अंदर भी जॉन सीना टॉप रोप पे जाते हैं और वहां से एक सुपर एए आ जाता है रोमन रेंज को। लगा ऐसा सब खत्म हो चुका है, लेकिन यहां पर करते हैं रोमन किक आउट। आखिरी में क्या करते हैं जॉन सीना, वो जो रोमन रेंज का ऊ वाला मूव है स्पीयर से पहले, वो हमें टॉन्ट करते हुए नजर आते हैं। लगाने चलते हैं रोमन को स्पीयर, स्पीयर यहां पर वो करते हैं रोमन डॉज। उसके बाद आता है सुपरमैन पंच और आखिरी में एक आता है एक और स्पीयर एंड 1, 2 and 3 जीत हो जाती है ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज की। जॉन सीना को हराने के बाद रोमन रेंज सेलिब्रेट करते जॉन सीना के बीच में एकदम खड़े होकर कि भाई मैंने तुझे हरा दिया, मैं WWE में स्टिल रहूंगा। एंड उसके बाद जो होता है ना भाई, मैं क्या बताऊं, आ जाते हैं वहां से द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। सपना नहीं है, एकदम हकीकत है। क्राउड बहुत पागल हो जाता है। यहाँ पर लेसनर आते, बड़ी बड़ी दाढ़ी और भाई एकदम मॉन्स्टर जैसे दिखाई देते हैं। ऊपर बनियान टाइप पहन के आते हैं, नीचे होती है जीन्स की पैंट चोटी के साथ में। लेसनर आते हैं, क्राउड एकदम क्रेजी होता है रोमन रेंज को वो कन्फ्रंट करने आते हैं। यहाँ पर रिंग के चारों तरफ घूमते हैं, जैसे ही वो रिंग के अंदर आते हैं वो बढ़ने चलते हैं पॉल हेमन की तरफ। और यहाँ पर रोमन कहते हैं भाई वो मेरे साथ है, तेरे को पंगे लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर लेसनर कहते हैं वन मोर टाइम कि एक बार फिर से तेरा और मेरा आमना सामना होगा। यहां पर पॉल हेमन रिंग को लीव करते हैं, यहां पर रोमन रिंग को लीव करते हैं। और समर स्लैम की एंडिंग एक सपने की तरह थी, क्योंकि जॉन सीना को भी हमने देखा और शो पर आ गए हैं एक बार फिर से वापस ब्रॉक लेसनर। अपना ओपिनियन जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और भाई आने वाले जो एक और वीडियो आएगी कुछ ही मिनट्स बाद, वहां पर हम लोग बात करेंगे समर स्लैम के अंदर और भी कौन सी चीजें होती हैं, क्योंकि बेकी लिंच भी वापस आ चुकी हैं। तो आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई नीचे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।